अरे आज तुम दोनों ही, बाकी बच्चे नहीं आए क्लास में? नो मैम, नो मैम। चलो अब तुम दोनों को क्या ही पढ़ाऊं, वरना उनका सिलेबस रह जाएगा। ऐसा करते हैं, तुम लोग रिवीजन करो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ पूछो। मैम आप इतना अच्छा करते हो, इतनी सुंदर हो, मतलब हम दोनों सोचे थे कि मैडम ने अब तक शादी क्यों नहीं की। आपको तो मैम कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा आपको शादी के लिए। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, तुम्हें जवाब उसी में मिल जाएगा। सुनना चाहोगे? यस मैम, यस मैम। एक फैमिली में 5 बेटियां थी और हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है, तो 5 लड़कियां मेरे को पहले ही दे चुकी है, अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई ना तो फेंकूंगा उसको कहीं चौराहे पे या रोड के किनारे। इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं मेरी गलती है, मैं पैदा करता हूँ, ये सारी दुनिया का बोझ मेरे ही सर पे गिरना है क्या? बट इस बार भी लड़की हुई। बाप ने गुस्से में आके लड़की को उठाया और आधी रात को सड़क के किनारे छोड़ आया। उसकी मां पूरी रात लड़की के लिए दुआएं देती रही। अगले दिन सुबह बाप अपनी बेटी को देखने जाता है कि कोई उसको लेके गया या नहीं, पर उसको कोई नहीं लेके गया और बाप को मजबूरन लड़की को वापस लाना पड़ा। अगली रात फिर उसका बाप लड़की को छोड़ आता है और उससे अगले दिन फिर देखता है उसको कोई नहीं लेके गया। ऐसा करते करते बाप परेशान हो गया और मजबूरन लड़की को घर वापस ही लाना पड़ा। और अगली बार उससे लड़का हुआ, पर जैसे ही उसे लड़का हुआ उसकी एक बेटी मर गई। जैसे ही उसे एक बेटा होता उसकी एक बेटी मर जाती। आज उसके 5 बेटे हैं और एक बेटी, और वो वही बेटी है जिसको वो रात को चौराहे पे छोड़कर आता था। थोड़े टाइम बाद उसकी वाइफ भी मर गई और उसके बेटे और बेटी बड़े हो गए। और जानना चाहते हो वो लड़की जो जिंदा बची थी वो कौन है? वो मैं हूं। और मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पापा इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो अपने हाथ से खाना तक नहीं खा सकते। उनका ध्यान रखने के लिए अब कोई नहीं है। उनके 5 बेटे कभी कभी आकर उनका हालचाल पूछ जाते हैं और मेरे पापा रो रो कर कहते हैं, बेटा तुम्हारे साथ बचपन में जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिस बेटी को मैं बोझ समझता था वही आज मेरा बोझ उठा रही है। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे 5 बेटे मुझे छोड़ के चले गए, पर जिस बेटी को मैं सड़क पर छोड़ करके आया था वही आज बेटा बन करके मेरा बोझ उठा रही है। पापा कितनी बार बोला है मैंने आपको, अगर आप यही बातें करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। बाप और बेटा दोनों खेल रहे होते हैं और बाप अपने बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए खुद हार जाता है। ये सब देखकर बेटी से रहा नहीं गया और वो अपने बाप से लिपट कर बोलती है,
पापा आप मेरे साथ खेलो, मैं आपको जिताने के लिए खुद हार जाऊंगी। चलो अब क्लास का टाइम भी हो गया है, कल मिलते हैं क्लास। तो इस बार मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो या मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ एक बात बोलूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो बेटी को बहुत समझते हैं। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुझे तो सुख का साथी चाहिए, दुख में तो मेरी बेटी अकेली बहुत है। थैंक यू।